अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्यूरिटन पोइट्री। चलें जी शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक द प्यूरिटन पोइट्री आल्सो कॉल्ड द जैकोबियन पोइट्री एंड कैरोलाइन पोइट्री ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ जेम्स वन एंड चार्ल्स वन। ठीक है, क्यों कही जाती है प्यूरिटन पोइट्री, जैकोबियन पोइट्री और कैरोलाइन पोइट्री क्यों कही जाती है? क्योंकि ये चार्ल्स वन और जेम्स वन के दौर में लिखी गई है। हम इसको डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पोएट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, पोएट्री ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, पोएट्री ऑफ द शिवलायर्स पोएट्स। तो आज हम देखेंगे द स्कूल ऑफ स्पेंसर। द स्पेंसेरियन वर द फॉलोअर ऑफ द स्पेंसर, द मोस्ट थ्रू गोइंग डिसिपल्स ऑफ द स्पेंसर ड्यूरिंग द रीन ऑफ जेम्स वन वर फिनिस फ्लेचर एंड द गेलिस फ्लेचर्स। फिनिस फ्लेचर रॉट अ नंबर ऑफ स्पेंसेरियन पेस्ट्रोल एंड एलेग्रीज। ये देखते हैं कि पेस्ट्रोल क्या होता है, ये जो वर्ड है पेस्ट्रोल, ये क्या होता है? पेस्ट्रोल जो है, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, अ वर्क ऑफ लिटरेचर पोर्ट्रेइंग एन आइडलाइज्ड वर्जन ऑफ कंट्री लाइफ, यानी कि जो देहाती लाइफ, गाँव की लाइफ को जो पोर्ट्रेट करे, जो वर्क या पोइम या कोई ऐसी चीज, उसको हम पेस्ट्रोल कहते हैं। उसके बाद एक लफ्ज आ जाता है एंड एलेग्रीज। एलेग्रीज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लें जी, आप लिख लीजिएगा। एन एलेग्री इज है अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, एक कहानी के अंदर कहानी। इट हैज अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ। समझ आई? आगे है जी, हिज मोस्ट एम्बिशियस पोइम द पर्पल आईलैंड, गैलिस Fletcher's was more lyrical and mystical than his brother, and he also made a happier choice of subject. His major is Christ Victoria and triumph in heaven and earth, over and after death. Other poets were who wrote under the influence of Spenserian were William Browne, George Wither, and William Drummond. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।